वेलकम बैक टू यू। तो हम आ गए नहा धो के, आप फ्रेश लग रहे हैं। आप लगता है सुकून मिल रहा है, जब तक नहाओ नहीं ना सुकून नहीं मिलता। आप सेट लग रहे हैं, फ्रेश भी लग रहे हैं, सही लग रहा है आप। तो आपको हम कैसा लग रहे बताएं जरूर। व्हाट्सअप लाइव, वेलकम बैक टू यू वसिया से व्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है मेरी जान तो रहती अच्छी आपसे। पाकिस्तान इंडियन की भी बात करनी है, उससे पहले एक रुक ऐसा हम लोगों से कहीं पता नहीं यूट्यूब वालों को क्या दिखेंगे यूट्यूब पे। अब जैसे ही आगे बढ़ रहे तो एक कॉपी राइट का कनेक्शन है, प्लीज़ इस सबको दूर करें भाई। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए सब लोड करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, वो समझेंगे आप लोग कुछ करें हमारे लिए। ऊपर से जाता है कपड़े काफ़ी दिन से पहने हैं, बंदूक लिया। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे पहले नहाते फिर मिलते हैं आपसे नहा के कुछ देर बाद। वेलकम बैक टू यू। तो हम आ गए नहा धो के, आप फ्रेश लग रहे हैं। आप लगता है सुकून मिल रहा है, जब तक नहाओ नहीं ना सुकून नहीं मिलता। अब सेट लग रहे हैं, ओ सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे। फ्रेश भी लग रहे, सही लग रहा है अब। तो आपको हम कैसा लग रहा है बताएं जरूर। उससे पहले हम कॉपीराइट का बता देते भाई, ना तो हमने कुछ ऐसी बात की व्लॉग वगैरह में, ना कुछ ऐसे, ना गाने, ना कुछ ऐसा, बस शॉर्ट में होता था छोटा मोटा, वो भी ऐसा वैसा नहीं होता था सॉन्ग। फिर ये नहीं समझ आ रहा कॉपीराइट क्यों आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से हमारा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो यही वजह थी, हमने अपलोड किया था दो दफ़ा लेकिन उस पर कॉपीराइट आ गया, इसलिए हमने फ़ौरन डिलीट कर दिया ताकि कुछ ऐसा आगे चल के मसला पैदा नहीं हो। इसलिए अभी से तैयारी करना टैग रहे अटेंड रहे, बात तो सही है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और ये कॉपीराइट करें। ये यूट्यूब वालों ने पता नहीं कौन सा नया सिस्टम निकाला, प्लीज़ कुछ करें, आप सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का बताते हैं हुआ क्या। मुझे तो खुश हो के ऐसा हो, मुझे नहीं उम्मीद थी ऐसा हो सकता है। तो बताते हैं हुआ क्या, न्यूजीलैंड ने टॉस वॉन करके चूज़ की बॉलिंग, पाकिस्तान ने बैटिंग। फिर सबसे पहले बताते हैं कौन से तब्दीली की है पाकिस्तान ने, कौन से किसकी जगह किसको रखा है। तो साइम अयूब की जगह रखा है हसीब अल्लाह खान को, और हाई रऊफ को भी ड्रॉप किया उसकी जगह सब ज़्यादा फरहान जमान खान को भी ड्रॉप किया है, फक उसे भी किया है जमान खान को, वसीम जूनियर, अब्बास आफरीदी, इन लोगों को रखा है बॉल की जगह। और बताते हैं हसीब अल्लाह खान तो चले नहीं, बैटिंग पे आए पाकिस्तान जीरो पर ही आउट हो गए, सिफर पे तीन बॉलें खेली आउट हो गए। बाबर आजम ने 13 रन बनाए, वो भी नहीं चल पाए, पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, दो चलते बाकी कोई नहीं चलता। फिर रिजवान और फकर जमान आए, सबसे पहले फकर जमान हमारे फौजी की बात करते हैं, किया क्या उन्हें भाई, पहले ओवर में 2 छक्के। सॉफ्टवेयर अपडेट करके आया था फौजी अपना भाई, 4 छक्के 1 चौका,
16 बॉलों में 33 रन कम नहीं होते। सब डर रहे थे भाई ये होगा क्या क्या होगा। मेरे ख्याल से इन दोनों ही खेला है रिजवान फकर समान और नीचे के वो बॉलर थे अब्बास आफरीदी ने भी किया है। ये हुआ अब्बास आफरीदी ने भी किया है 19 रन बनाए इन लोगों ने ही किए। और टारगेट पता ही आपको कितने का मिला 134 का। किसी भी T20 सीरीज में ऐसा नहीं दिया टारगेट किसी ने भी जो यहाँ पे दिया 134। मैं तो समझा था पाकिस्तान हारेगा बहुत बुरी तरीके से लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ आपको बता दूँ। चाचू ने जो कम बैक किया हमारे भाई उनको पहले अगर ओवर करवाते तो हम वो दो मैच भी जीत सकते थे आपको बता दें ये मैच भी जीत चुके हैं। चाचू ने 4 ओवर में 3 विकेट ले चुके इफ्तिकार अहमद। सलमान खान को फील्डिंग पे रखा हुआ था उन्होंने रन आउट किया 2 दफा। भाई काफी अच्छा इस बार की और शाहिशाह ने भी विकेट ली काफ़ी लोगों ने लिया अब्बास आफरीदी ने शाहिशाह ने 2 ली उसामा मीर ने भी ली विकेट काफ़ी अच्छी ली भाई। और आपको यकीन नहीं होगा 92 रन पे न्यूजीलैंड की ऑल विकेट। मैं तो खुश हो गया ऐसा हुआ तो हुआ कैसे समझ नहीं आ रही क्या कैसे पाकिस्तान में। एक बार ये 2 दफ़ा पाकिस्तान से न्यूजीलैंड अगेन हारी 100 भी नहीं किए। एक दफ़ा 2010 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हुआ था मैं यही न्यूजीलैंड की सीरीज में हुआ था पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन पे आउट किया था ऑल विकेट है। और एक बार पर 2024 में ऑल विकेट 92 पे क्या किस्मत का खेल है न्यूजीलैंड एक बार फिर वही हारी वही अगेन थी वो पाकिस्तान की। लेकिन अफसोस हुआ भाई एक मैच जीते अगर ऐसे 2 और जीत जाते ना ये लोग एक मैच में चल जाते खिलाड़ी कहते हैं अगले मैच में भी और अच्छा परफॉर्म। भाई 15-17-18 खिलाड़ी लेके जाते हैं आप सबको मौका दिया करो ये करके 4 मैच में एक खिलाड़ी एक मैच में चला उसको तीनों में लेके जाओगे जब तीनों में नहीं चला फिर 5वें में किसी और को लोगे ये तो भाई गलत है ऐसा नहीं करो। सॉरी तो वर्ल्ड कप भी आने वाला है उससे पहले PSL आने वाला है टीम हम अच्छी ढूंढेंगे PSL के लिए ताकि अच्छी निकालें टीम क्योंकि आजम खान को तो ड्रॉप करेंगे 2 बैट्समैन को ड्रॉप करेंगे और 1 बॉलर को मेरे ख्याल से तो यही होगा। आमिर जमाल को तो नहीं निकालेंगे क्योंकि वो बॉलर काफ़ी अच्छा है क्योंकि जब ये होगा मैच इंडिया के साथ हमारा आमिर जमाल बहुत बेस्ट बॉलर है काम आएगा हमारे लिए। और तो अब सब डर में भाई बाबर आजम को कप्तानी से क्यों हटाए भाई इंडिया की आवाम तो ये तक कह रही है बाबर आजम को कप्तानी पे दोबारा लाओ हमें वही मैच अभी तक याद है अभी तक नहीं भूले बाबर आजम और रिजवान ने जो धोया था ना हमें वो बैटिंग हम अभी तक नहीं भूले भाई बाबर आजम को कप्तान बनाओ ओपनिंग पार्टनरशिप बाबर आजम और रिजवान की रखो भाई ये सब हो रहा है।
आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे या नहीं? क्या बाबर आजम बनना चाहेगा या नहीं? क्या होगा, बाबर आजम क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा विराट कोहली का या नहीं? ज़रूर बताएं। और कैसा लगा आपको, खुशी तो हुई होगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत गया 42 रन से, खुशी तो हुई होगी। और जो समझे होंगे पाकिस्तान तो हार जाएगा, जब 4 हार गए 5वां उनके लिए बहुत दुख की बात है, उन्होंने मिस कर दिया। अगर जो लोग उठे नहीं, देखा नहीं सुबह उठ के, वेरी सैड मोमेंट, खैर होता है। और यहीं तक था हमारा ये व्लॉग, तो उम्मीद है पसंद आया हुआ। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइन लगा दो और सब्सक्राइब कर दो, और जिस जिसने नहीं किया वो भी कर दे, और पहले आइकन के बटन को दबा दें, ताकि इससे होगा ये जब भी हम कोई भी ब्लॉग शो वगैरह अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास आएगी। तो प्लीज़ एक उंगली कई डिफरेंस होगा, बस क्लिक करना हो जाएगा, आपके पास सबसे पहले आएगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग, नेक्स्ट मिनी शो में। अल्लाह हाफिज़।